What is Android? It's a platform, right? It's an operating system. और कुछ बताओ? Open source. It's open source. Points are in. It's specifically designed for mobile phones. It's user friendly. Okay, अगर आपको एक लाइन में समझाना होगा तो एक लाइन क्या होगा? Probably सबसे important जो Android को describe कर पाए. अच्छा ठीक है, देखो सभी ने सही बोला, टू बी ऑनेस्ट सभी ने सही बोला. आई जस्ट गिव यू दिस डेफिनेशन जो मैंने विकीपीडिया से उठाया, एक बार रीड आउट कर रहा हूं मैं. एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल. इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इज डिजाइंड प्राइमरीली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स. बहुत सारे लोगों ने पॉइंट्स ऑलरेडी बोल भी दिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? राइट, बस यहां पे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा, बिकॉज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज एन इंटरफेस बिटवीन, कुछ बोल रहे थे आप, यूजर एंड राइट, करेक्ट. इट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि ओएस क्यों चाहिए होता है. मतलब मेरा लाइफ या एक प्रोग्रामर का लाइफ ओएस के बिना क्यों नहीं कट सकता? अगर ओएस नहीं होता तो क्या होता? दैट इज द क्वेश्चन. मतलब पहली बार लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस की लोगों ने कि देन दे डिसाइडेड ओ शिट ओएस का जरूरत है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा काम. मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो सभी को पता होगा, राइट? सबने पढ़ा है. आई जस्ट वॉन्ट दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू. सी में सभी ने कोड किया है, कोड किया ना सी में. व्हेन यू कोड, लेट्स से यू आर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम जहां पर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो यूजर से लेकर के, यहां तो ठीक है. नाउ जब आपको रिजल्ट प्रिंट करना होता है तो आप क्या यूज करते हो? प्रिंटएफ. प्रिंटएफ बोल के एक फंक्शन होता है, राइट? प्रिंटएफ का काम क्या होता है कि आप उसको जो भी चीज दोगे वो उसको एज इट इज मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा. आई डोंट नो यू एप्रिशिएट दिस और नॉट, बट सिर्फ इतने छोटे काम के लिए जनरेशन ऑफ इंजीनियर ने दिन रात मेहनत किया. बिकॉज सोच के देखो ये काम कितना डिफिकल्ट है. आपने लिखा इंग्लिश में, वो गया प्रोसेसर के पास जिसको समझ में आता है 1 and 0. सो देर हैज टू बी सम इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जिसको आप कंपाइलर बोलते हो, जिसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू मशीन कोड. वो मशीन कोड प्रोसेसर पहले समझा, अब उसको वो वाला चीज को कहां पे प्रिंट करना है? मॉनिटर पे, विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइस, राइट? तो मॉनिटर को अब उससे बात करना है, और मॉनिटर को उससे बात कौन करवाता है? यहां तो कोई कंपाइलर नहीं होता, पर दो अलग डिवाइसेस को आपस में बात कराने के लिए क्या यूज करते हो आप? ड्राइवर्स का नाम सुना है? पेन ड्राइव लगा तो क्या बोलता है? डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग. बिकॉज वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और रादर ट्राइंग टू बी एन आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बिटवीन द डिवाइस एंड द प्रोसेसर, कि भैया इस पर्टिकुलर डिवाइस का आर्किटेक्चर ये है. तो किसी ने आपके मॉनिटर के लिए भी कुछ ड्राइवर्स लिखे होंगे? दे किक इन और वो प्रोसेसर से आपके मॉनिटर का कम्युनिकेशन कराते हैं. समझ लो आपके लिए क्या था, इट वॉज जस्ट अ स्टेटमेंट, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया. पर सालों साल लग गए पता उस कम्युनिकेशन को उस लेवल पे लाने के लिए कि आपको वो इतना सिंपल लग रहा है, राइट? राइट नाउ इमेजिन उन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की होती तो फिर किसको करनी पड़ती इतनी मेहनत? हमें. सो अगर मुझे सिर्फ एडिशन का कोड लिखना होगा, वो एडिशन के कोड को अचीव करने के लिए मेरे को पहले अच्छे से कंपाइलर बनाना आना चाहिए, जो कि आपको पता चलेगा क्योंकि कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट होता है जो लोग 6 महीने पढ़ते हैं तो लोग जस्ट पास होते हैं. कंपाइलर बनाना इज अ लाइक सेपरेट थिंग. कंपाइलर आपको बनाना आना चाहिए. सेकेंड, आपको डिवाइस ड्राइवर्स लिखने आने चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक डिवाइस, राइट? बाय द वे डिवाइस ड्राइवर्स कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? मशीन में, मशीन लेवल पे आप कोई कोड नहीं लिखते, सो डिफिकल्ट टू राइट. मे बी, लेकिन मोस्टली पीपल यूज सी. जहां भी आप देखोगे कि हार्डवेयर से बात करने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर है, इट हैज टू बी सी. बी इट बी डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, ओएस का कर्नल, गेम्स के कंट्रोल्स, कुछ भी, ये सब कुछ सी में लिखते हैं. बिकॉज सी इज द फास्टेस्ट आफ्टर
मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, और मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में आप कोड कर नहीं पाओगे बड़े बड़े, इसलिए आप सी यूज करते हो। किसने यहाँ पे अर्डिनो पे काम किया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया था उसको कोड करने के लिए? सी, बिकॉज अर्डिनो इज बेसिकली दिस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। और आपने कंट्रोल किया क्या, मोस्ट लाइकली एलईडीज एंड मोटर्स, जो कि क्या होता है हार्डवेयर। समझ में आ रहा है यहां तक? ऑल आई एम ट्राइंग टू पुट इज एक सिंपल सा एडिशन को स्क्रीन पे प्रिंट करना, इस काम को अचीव करने के लिए आपको इतना भयानक लेवल ऑफ इंजीनियरिंग आना चाहिए कि आप कंपाइलर लिखना जानो, आप डिवाइस ड्राइवर जानो, और अगर आप डिवाइस ड्राइवर लिखने बैठे हो ना तो आपको हार्डवेयर का आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। चलो आपने बहुत मेहनत किया, आपने कर दिया, आपको 8 महीने लगे एडिशन का कोड लिखने में बाय द वे मिनिमम। उसके बाद आपको एक सेकेंड प्रोजेक्ट मिला, भाई एक फिबोनाकी का कोड भी लिखते, बट इस बार दूसरे वाली मशीन पे लिखना यार, वो वाले मशीन पे नहीं लिखना। फिबोनाकी का कोड में आप फिर कितना टाइम लगेगा? आई डोंट नो, प्रोबेबली और एक साल, क्योंकि वो नया मशीन और खटा रहा था। जो भी है, कैन यू सी आपका काम कितना था, आपका ओरिजिनल काम क्या था, दो नंबर्स को ऐड करना कितना टाइम लगना चाहिए उसमें? अगर आपको आता है तो प्रोबेबली 1 मिनट, फिबोनाकी में प्रोबेबली 5 मिनट्स, बट आपको लगे 8 महीने, बिकॉज आपको सब कुछ खुद से करना पड़ा। वो टर्म सुना आपने, री इन्वेंटिंग द व्हील, वही आपको करना पड़ रहा है, आपको खुद से सब कुछ बनाना पड़ रहा है। इमेजिन स्विगी के डेवलपर्स को खुद से ये कोड लिखना पड़ता है कि जीपीएस से कैसा डेटा टू एंड फ्रो होगा, तो उनको और प्रॉब्लम होता। एंड्रॉइड आके क्या बोला पता है? बॉस तुम अपने कोर लॉजिक पे फोकस करो, डिस्काउंट विस्काउंट बेचो, जीपीएस से बात करने का काम मेरा है। इनफैक्ट मैंने एक फंक्शन लिख के रख दिया जैसे प्रिंटर था, तुम बस उसको इनपुट देना, वो तुमको आउटपुट देगा, उसको तुम यूज करो, खुश रहो बेटा, जाओ एंजॉय करो जाओ। ओएस इज दिस इंटरफेस बिटवीन नॉट ओनली यूजर बल्कि एप्लीकेशन डेवलपर का भी। किसने सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला था यहाँ पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के काम आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको यूजर इंटरैक्ट करता है, जिससे डायरेक्टली यूजर इंटरैक्ट करता है। सो वीएलसी मीडिया प्लेयर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट डिवाइस ड्राइवर्स आर कंपाइलर्स आर। पॉइंट समझ में आया? सो बहुत सारे डेवलपर्स ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये काम हमेशा हर किसी को करना पड़ेगा, तो हम ये काम करते हैं। इट्स लाइक बी द महात्मा गांधी ऑफ कोडिंग। आजादी तो सबको चाहिए ही है, पर सब लड़ नहीं पाएंगे, मैं लड़ता हूं। सो दे एक्चुअली सैट एंड दे क्रिएटेड अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, अ बिग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे हार्डवेयर से लिखे हुए चीजों को डाला और इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उसके ऊपर वाले टीयर पे जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए इट वॉज अ केक वॉक। फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर्स पास किए, रिटर्न लिया, काम होता गया। इस जो बीच में जो गैप आया उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो ऊपर वालों को पता है कि नीचे हार्डवेयर है, पर क्या वो कभी डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं? वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर से। लेकिन किसी ने तो सॉफ्टवेयर लिखा ना जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, वो ओएस का काम है। सो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आपका ड्राइवर्स जो अलग अलग पेरिफेरल से कनेक्टेड होते हैं, वो ओएस का काम होता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर इज अ रीजन अंटिल 2 साल पहले तक बिल गेट्स दुनिया का नंबर वन आदमी था इन टर्म्स ऑफ पैसे। था ना, करता क्या बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट का हेड है, मतलब बॉस है, और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट क्या है? विंडोज। और विंडोज क्या है? अपेरेंटली दैट प्रोडक्ट इज सो इंपॉर्टेंट कि जिसने उसको बनाया अच्छे से उसको दुनिया ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। इट्स दैट इंपॉर्टेंट। आर यू फीलिंग द आई डोंट नो ग्रेविटी ऑफ दिस थिंग कि ओएस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? समझ में आया? ओके, सो व्हाट्स एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट्स अ मोबाइल, जस्ट टाइपो है, छोड़ दो। व्हाट्स अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? वहां पे एक वर्ड था, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स एंड इंडिया में जुगाड़ी चलता है बस। आप लोग कुछ और दोस्तों को लेके आते तो हम लोग मे बी नहीं करते वाला चीज, और पैसे आते, राइट? भिखारियों वाली मार्केटिंग कर रहे हैं यार, हम बहुत गरीब है, आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्स अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज? एनीवन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी ने एंड्रॉइड को विंडोज मतलब डेस्कटॉप पे चलाया है? नहीं, एमुलेटर नहीं, ब्लू स्टैक्स नहीं, प्लीज वो सब मत बोला। मतलब नेटिव ओएस बना के विंडोज हट गया, एंड्रॉइड चल रहा है।
नहीं चलाया होगा किसी ने? अपेरेंटली थोड़ा पॉसिबल है, कुछ लोगों ने ट्राई किया, यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले, बट वो खुद बोले कि ठीक से नहीं है, लाइक फ्लॉलेस नहीं है, गड़बड़ है, परेशानी होगा तुमको डेली बेसिस पे यूज करने में. क्यों? क्योंकि अपेरेंटली एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना हुआ है वो. सो व्हाट इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैं पूछता हूँ. विंडोज को कभी फोन में डाल के चलाया? विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ, विंडोज फोन 7 का बात मत करो प्लीज, वो अलग स्टोरी है. विंडोज का ये वाला विंडोज 8 या विंडोज 10 को आई डोंट थिंक आपने कभी फोन में पोर्ट किया होगा, क्योंकि वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या अलग होता है? इन्वायरमेंट अलग होता है, उसका क्या मतलब? इन्वायरमेंट में अलग क्या है? मतलब मोबाइल के हार्डवेयर और डेस्कटॉप के हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है? टच स्क्रीन तो आजकल लैपटॉप में भी है. बायोस में डिफरेंस, इनपुट आउटपुट में. यार मैं कुछ दिन जस्ट पहले मैंने किया, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड लगा के टाइप किया फोन में, पूरा करते हो, माउस लगा के भी आप चला लोगे, राइट? तो मतलब क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस क्या है. डिफरेंस एक्चुअली होने से ज्यादा था, अब धीरे धीरे वो डिफरेंस कम हो रहा है. सो ओरिजिनली जब मोबाइल ओएस का कंसेप्ट आया ना, ये आया था अराउंड 2000 के, अराउंड 2002-2001 में. उस टाइम अगर आप बहुत छोटे हो गए, उस टाइम फोन आते थे नोकिया के, उसमें एक ओएस होता था जावा ही बोल के. अगर आपने सांप वाला गेम खेला है, वो जावा वाला फाइल होता था, जार फाइल आप डाउनलोड करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, आपका ऐप रन करता था. ओपेरा मिनी वगैरह का जमाना. आप लोगों को तो लग रहा होगा जैसे मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं, बट वो टाइम था. उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि बॉस लेट्स मेक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फोन्स, स्पेसिफिकली फॉर फोन्स. और उसी टाइम पे फिर लोगों ने बनाना भी स्टार्ट किया. सो इफ यू रिमेम्बर, नोकिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन बोल के, N97, N95, E सीरीज, सिम्बियन. उस पॉइंट पे ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी ओएस था, एक पाम ओएस बोल के भी था. आईफोन 2007 में आया था तो उसका खुद का ओएस था. सो उस पॉइंट पे पीपल वर यू नो पुटिंग देयर हेड एंड देवर थिंकिंग कि फोन्स को भी ओएस का जरूरत है. बट उस टाइम पे जब लोग उसको बनाने का सोचते थे ना, उनको डर लगता था. क्यों? क्यों नहीं, फ्लॉप तो अलग चीज था, लेकिन एक उनको ये डर था कि, डर नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली इसको, एक चैलेंज था कि जो हार्डवेयर था उनके पास जिसके ऊपर उनको पूरा का पूरा ओएस रन कर रहा है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था. सो इफ यू टॉक अबाउट 2004 और 2003, उस पॉइंट पे अगर आपके पास 128 MB रैम होता है ना, तो लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ देखते थे. 128 MB रैम, आपके बारे में लोग बात करते थे, लाइक सीरियसली पीपल विल लाइक टू डेट यू बिकॉज आपके पास 128 MB रैम है. ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी छोटा ही था, मेरे को ऐसा लगा. जो भी था, 128 MB रैम वॉज अ बिग डील. प्रोसेसर स्पीड मतलब 600 मेगाहर्ट्ज के रेंज में थे, 600-400 मेगाहर्ट्ज के रेंज में. रोम कितना होता था? आई डोंट थिंक 1 GB भी पहुंचा था उस टाइम, मतलब आपका इंटरनल स्टोरेज. और टच स्क्रीन वगैरह रेजिस्टिव थे, कैपेसिटिव नहीं था. सारा का सारा हार्डवेयर वॉज बैड. अब आपको इतने रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के लिए अगर बोला जाए ओएस बनाने के लिए, और ओएस इज अ थिंग जिसको चाहिए होता है प्रॉपर हार्डवेयर, तभी वो रन करेगा. तो आप जब उस तरह का ओएस बनाने का सोचते हैं ना, तो आप दिमाग में शुरू ही करते हो इस बात को लेकर के कि बॉस मेरे को कंजूसी के साथ पूरा कोड करना है, मेरे को अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैव टू हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डेस्कटॉप में आप प्लग आउट कर दो बैटरी, या प्लग इन करके लोग जनरली कार्ड करते हैं, तो एग्जैक्टली बैटरी ड्रेनेज हो रही है ओएस के वजह से. ऐसा कभी सुना आपने? यार मेरा विंडोज पता बैटरी बहुत खाता है, कभी ये सुना आपने? क्योंकि ये कभी कंसर्न ही नहीं है. लेकिन आप मेरा एंड्रॉइड जब से नया अपडेट मारा बैटरी बहुत खा रहा है, आप वहां पे उसको क्वेश्चन कर दोगे, तुम ओएस कैसा बनाए बॉस, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, बिकॉज आप फोन बाहर लेके घूमते हो, राइट? सो व्हेन यू डिजाइन अ मोबाइल ओएस फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस, देयर आर सेपरेट सॉर्ट ऑफ यू नो क्या बोलते हैं, मतलब चीजें होती है, अलग अलग टाइप की चीजें होती है. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शन. सो व्हेन यू स्टार्ट कोडिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि मेरा कोड इज वेरी वेरी एफिशिएंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट देयर आर सर्टेन अदर्स थिंग्स जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है. उसमें से एक हुआ जैसे कि ये मैंने बोला पावर मैनेजमेंट, और एक और चीज हुआ सेंसर्स के लिए तुमको अलग से कोड लिखना पड़ता है, बिकॉज यू नो कि फोन है तो सेंसर्स होंगे. क्या डेस्कटॉप में होंगे? विंडोज में उस तरह का कोड का जरूरत नहीं है कि भैया तुम मोशन सेंसर कैसे हैंडल करोगे. ऑल्दो
विंडोज में भी होता है, लाइक लैपटॉप में भी होता है, पता है आपको? फोन अगर आपके हाथ से गिरेगा, मतलब लैपटॉप के हाथ से गिरेगा, हार्ड ड्राइव लॉक हो जाता है। अंदर है इसके, मतलब ऑब्वियसली अच्छे लैपटॉप्स में, मेरे लैपटॉप में नहीं है, आपके में हो सकता है, पर होता है। लेकिन एग्जैक्टली जितना फोन में होता उतना नहीं होता। कैन यू सी देयर दीज आर डिफरेंट सिनेरियोस, फोन का ओएस, डेस्कटॉप का ओएस, ऑल्दो अब थोड़ा सा मर्ज कर रहा है। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, वन प्लस का मैक्लेरन एडिशन, 10 GB RAM, 10 GB RAM। बड़े बूढ़ों को पता चल जाएगा ना, जिन लोगों ने ये सब बनाया था, वो पूछे आपसे कितना जीबी रैम है, सर 10 GB मेरे पास। कहता क्या करता हूँ, मैं चैट करता हूँ सर। He'll be like, अबे यार तुम लोग महान हो, हम लोग 512 MB में सैटेलाइट भेजे थे, तुम लोग चैट करने के लिए 10 GB यूज करते हो, कितने लकी हो तुम लोग। एंड विल बी लाइक व्हाटएवर, उस तरह का हमारा रिएक्शन है। सो अब थोड़ा सा वो फाउंडेशन हट रहा है, बिकॉज हार्डवेयर बहुत पावरफुल हो रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ कंसिडरेशंस हैं जो आपको रखने पड़ेंगे वाइल क्रिएटिंग अ मोबाइल ओएस। बाय द वे, गूगल एक नया ओएस ला रहा है, पता है आपको? नहीं नहीं, कोटलिन इज अ लैंग्वेज। उस ओएस का नाम है फुचायो, ऐसे कुछ नाम है। मोस्ट लाइकली 4-5 साल बाद दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस एंड्रॉइड विद दैट ओएस, ऐसा कुछ समझ में आता है, पर ठीक है, इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। व्हाट इज ओपन सोर्स, किसी को पता है व्हाट इज ओपन सोर्स? नाम सुना है कभी? एनीवन? ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को आता है पर कोई बोल नहीं रहा। कुछ भी बोलो, इट्स ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज प्लस इट इज द कोड इज अवेलेबल फॉर यू टू चेंज। ऐसा सॉफ्टवेयर जो नॉट ओनली फ्री है बल्कि उसका सोर्स कोड भी आपके पास अवेलेबल है। कोई सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोई? एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स, इसीलिए हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है कैसे पता? उसका नहीं, मतलब एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। कोई भी यहाँ पे विंडोज का लैपटॉप खोलेगा, अंदर से सब सेम रहता है। डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, राइट क्लिक करने से सेम मेन्यू आता है, पर अलग अलग फोन से सभी के पास, सभी कंपनी के। ओपन करो एंड्रॉइड, सबका फोन अलग दिखता है, बिकॉज जब लोग एंड्रॉइड डाउनलोड करते हैं शायोमी की कंपनी में या वन प्लस की कंपनी में, वो उसको अपना कस्टम स्किन देते हैं, मी यूआई, टचवेज यूआई, क्योंकि उनको ऑप्शन है चेंज करने का। विंडोज क्या बोलते हैं? जैसा दे रहे बेटा एग्जैक्टली वैसा डाल के बेचो, हम नहीं दे रहे कोड वोड, इसीलिए। और विंडोज बाय द वे पर लैपटॉप चार्ज भी करता है, पता ना आपको? सो अगर आप लैपटॉप खरीदने जाओ, 35,000 का लैपटॉप है विद विंडोज, विदाउट विंडोज आपको 32 का पड़ सकता है। डॉस ले लो या फिर उबंटू ले लो, ठीक है? सो विंडोज पैसा भी लेता है और कोड भी नहीं देता, एंड्रॉइड कोड भी देता है और पैसा भी नहीं लेता। समझ में आ रहा है? और कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है जो? हाँ मतलब उबंटू लिनक्स ही हो गया अब तो। पाइचाम, पाइथन इज ओपन सोर्स। पाइचाम के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसका कम्युनिटी एडिशन फ्री है, बट प्रोफेशनल एडिशन के लिए लोग पैसा मांगते हैं, तो ओपन सोर्स तो हो ही नहीं सकता फिर। वो फिलॉसफी अलग हो गया, जहां पैसा मांगने निकले आप ओपन सोर्स वाली कम्युनिटी से बाहर, पैसा मांगते साला ये, लगा इसको, वैसा रिएक्शन उनका। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, राइट?